हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ कमला और कुक विद कमला में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ उत्तराखंड की एक और बहुत ही पॉपुलर रेसिपी, पहाड़ी नींबू की रेसिपी। इसे चूख भी बोला जाता है। यह बड़ा नींबू है और यह उत्तराखंड में ही नॉर्मली पाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहाड़ी सना हुआ नींबू की रेसिपी। सबसे पहले हम नींबू को छिल लेंगे और ये देखिए इस टाइप से, और इसका जो वाइट वाइट है वो भी निकाल लेंगे, ऊपर का स्किन। अब इसके अंदर के पल्प को हमको अलग करना है, इसका बीज भी अलग निकाल लेंगे। इसमें दो संतरे भी डालेंगे उसका अंदर का पल्प निकालकर। अब हम इसमें ऐड करेंगे हेम्प सीड्स यानी भांग का नमक। हेम्प सीड्स को हमने रोस्ट किया है, इसमें हमने थोड़ा सा लहसुन, नमक और लाल मिर्चा डाल के ग्राइंड कर लिया है। थोड़ा सा नमक ऊपर से डालेंगे। हमें इसको 6 टेबल स्पून डालना है, लगभग एक कटोरी। इसमें थोड़ा चाट मसाला डाला है 1 टीस्पून, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। गुड़ डालेंगे लगभग एक कटोरी। इसमें पड़ेगा 2 संतरे का पल्प और लगभग 400 ग्राम मैंने इसमें दही डाला है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये बनके रेडी हो चुका है। थोड़ा सा अंगूर और अनारदाने से गार्निश कर देंगे। आप चाहें तो इसमें और भी फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। देखते ही आ रहा है ना मुंह में पानी, तो इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको पहाड़ी नींबू ना मिले तो आप इसकी जगह गलगल भी ले सकते हैं। दोस्तों, इसका स्वाद खट्टा मीठा होता है, टैंगी फ्लेवर, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। अगर एक बार आप इसे बना कर खाएंगे तो बार बार आप इसे खाना चाहेंगे, इतना स्वादिष्ट होता है। तो दोस्तों, कभी अगर आप अल्मोड़ा, नैनीताल, पहाड़ की वादियों में जाएं तो इसे ज़रूर लाएं अपने घर बिग लेमन, और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। एक बार अगर आप खाएंगे ना तो इसका स्वाद भूल नहीं पाएंगे, इतना स्वादिष्ट होता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे पहाड़ी सना हुआ नींबू की रेसिपी पसंद आई तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें अगर आपको रेसिपी पसंद आई है, ताकि और लोग भी इस रेसिपी के बारे में जान पाएं। फिर मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।